हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले बच्चा मैं चैनल पर एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चा, जो आपका पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए हम सीधा चैप्टर टू से स्टार्ट करने वाले हैं। आपका चैप्टर टू जो है उसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसका जो टोटल वेटेज है वो 8 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से, तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मैक्स टू मैक्स 30-40 वर्ड्स में प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट गिवन बाय एमपी बोर्ड। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर से लगे मैं सारे आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको इजीली या तो परीक्षा बोर्ड में मिल जाएंगे या फिर परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। कहीं नहीं मिलते हैं तो क्वेश्चन को आप स्ट्रेट गूगल पे टाइप करके सर्च कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो टोटल वेटेज है आपका अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ब्लूप्रिंट वो है 6 नंबर का, जिसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारे आंसर आप 3 मार्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा। 3 मार्क के लिए आपको 75 वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो भी चल जाएगा, बट कम मत कीजिएगा। और अगर सेम क्वेश्चन आपसे 2 मार्क में पूछा जाएगा तो आप सेम वही आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इस चैप्टर से मैंने आपको टोटल 13 क्वेश्चंस दिए हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी तक का सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है मैक्रो इकोनॉमिक के पार्ट से। इसका जो वेटेज है वो है टोटल 12 मार्क्स का, जिसमें से आपको 6 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और 2 मार्क के 3 छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इन्हीं 10 में से प्रिपेयर करने हैं। चांसेस यही है कि 3ों क्वेश्चन इन 10 में से आपसे पूछ लिए जाएंगे। बट इस चैप्टर में एक डाउट है, इन क्वेश्चन के बाहर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सिर्फ इस चैप्टर के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास परीक्षा बोध है या परीक्षा अध्ययन है तो पूरी की पूरी रट डालिए इस चैप्टर के लिए। और जिनके पास क्वेश्चन बैंक है आप क्वेश्चन बैंक प्लस ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। और जिनसे सब कुछ नहीं हो पाता है फिर उनके लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी है, इतने करके जाइए। बिलीव रखिए आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसका टोटल वेटेज आपका 6 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और 4 मार्क का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जिनमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे होते हैं सभी स्टूडेंट्स को पहले वही चैप्टर प्रिपेयर करने चाहिए। तो सेम सजेशन मैं यहाँ भी आपको दूंगी कि जितने भी 4 मार्क क्वेश्चन वाले चैप्टर्स हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में से और माइक्रो इकोनॉमिक्स में से भी, पहले वही चैप्टर आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से 4 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टोटल 10 ही क्वेश्चन मैंने दिए हैं और 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको बच्चा अप्रॉक्सीमेटली 1 पेज का आंसर लिखना है। और अगर वर्ड लिमिट में मैं आपको बताऊँ तो 120 वर्ड का आपको एक आंसर लिखना है। तो अप्रॉक्स 1 पेज आप लिखेंगे या 1.5 पेज तक भी लिखेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 6 ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका भी वेटेज 6 मार्क्स है, जिसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से और पहले प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर में से जो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको ये टोटल 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे, इवन बुक में भी मिल सकते हैं अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक हो। और कहीं नहीं मिलते हैं तो आप स्ट्रेट गूगल पे टाइप करके सर्च कीजिएगा, लास्ट में क्लास 12th इकोनॉमिक्स लिखिएगा, आपको बेटर रिजल्ट वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी वीडियो पे शो कराया है इसका PDF का डाउनलोड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसका पासवर्ड मैंने इसी वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्प्ले कर दिया है। तो अगर आपने पासवर्ड मिस कर दिया है तो वीडियो को एक बार केयरफुली देख लीजिए, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड एंटर करके आप ये PDF डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मैं अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।